मुर्दा शरीर जलते हैं तांत्रिक प्रक्रियाओं में। जब कोई मरता है या जब किसी को डॉक्टर मृत घोषित करता है, वो पूरी तरह से मरा नहीं होता। 5 से 7 मिनट तक वो ऐसे बर्ताव करता है जैसे वो जिंदा हो और फिर मर जाता है, ऊर्जा खर्च कर देता है। तो इसी पर आधारित है कि जब कोई मरता है तो भारत में ऐसी रस्में हैं, 14 दिनों तक अलग अलग तरह की रस्में हैं। जब शरीर छोड़ दिया जाता है, जब पैर गिर जाते हैं, तब आप चल नहीं सकते। मरे हुए लोग चल नहीं सकते, है ना? ये सच नहीं है। We can make them walk. हम उन्हें चला सकते हैं। भारत के तांत्रिक विज्ञान का पूरा संबंध इसी से है, मरे हुए इंसान को चलाना। मुर्दे चलते हैं तांत्रिक प्रक्रियाओं में। ऐसा कई बार हुआ है, लेकिन एक बार इतिहास में इसे रिकॉर्ड किया गया है। एक योगी थे, उनके जैसे कई हुए हैं और आज भी हैं। एक योगी थे जो ऐसे थे, उनकी उस चीज पर महारत थी जिसे सूर्य स्पर्श कहते हैं। इसका मतलब है स्पर्श। संपर्क, छूना, संपर्क या छूना। तो यह सूरज के स्पर्श की तरह है। योग का एक प्रकार है जिसे सूर्य स्पर्श कहते हैं। तो उन्होंने उस पर महारत पाई है। वे एक बोंग थे। बोंग मतलब एक बंगाली। तो वे वाराणसी में रहते थे और वे नियमित रूप से अपने गुरु के पास जाकर इसके अलग अलग चरण सीखते थे और इस पर चरण दर चरण महारत पा रहे थे। तो कई बार उन्होंने इसे सबके सामने प्रदर्शित किया कि अगर आप एक पक्षी लाएं, एक मरा हुआ पक्षी जिसे सभी ने जांचा हो कि वो वाकई मरा हुआ है, मरने का नाटक नहीं कर रहा है, एक वाकई मरा हुआ पक्षी, अगर वो पिछले 3 घंटों में मरा हो, वो सख्त हो गया। 3 घंटों में पक्षी सख्त हो जाते हैं। शरीर का कड़ापन पक्षियों में काफी जल्दी होता है मनुष्यों की तुलना में, क्योंकि एक पक्षी के शरीर का तापमान, पक्षियों के शरीर का तापमान मनुष्य के शरीर के तापमान से बहुत ज्यादा अधिक होता है। तो जिस तरह से ये ठंडा होता है और जैसे कड़ापन आता है, वो पक्षी के शरीर में कहीं जल्दी होता है मनुष्य की तुलना में। तो पक्षी के मरने के 3 घंटों के बाद अगर आप उसके पास पक्षी लाते थे एक साधारण मैग्नीफाइंग ग्लास से, वो भी सीधी धूप से नहीं, शीशे से आ रही धूप से, अगर आप बाहर खड़े हों और शीशे से धूप अंदर भेजें, उस प्रकाश का मैग्नीफाइंग कांच द्वारा इस्तेमाल करके वे पक्षी को जिंदा कर देते थे। वो बोलता था, उठ बैठता था, चलता था और उड़ता था। वो कुछ देर आसपास उड़ता था और फिर से गिरकर मर जाता था। तो लोगों ने पूछा, आप इसको जीवित क्यों नहीं कर सकते? उसने कहा, मैं इतना ही जानता हूं, मेरे गुरु ऐसा कर सकते हैं, मैं अभी सीख रहा हूं। लेकिन वे अब तक लगभग 70 साल के हो चुके थे। तो उनका दुर्भाग्य था, ऐसा हुआ कि एक 7 साल का लड़का एक वहीं के इस्लामी कब्जा हो चुका था, एक मुस्लिम राजा का बेटा जो 7 साल का था, किसी अनजान बीमारी से मर गया। तो उन्होंने उस आदमी के बारे में सुना था जो पक्षियों को जिंदा कर देता था। वे उसके पास आए और बोले, Come and try, and our king's son. आओ और हमारे राजा के बेटे पर आजमाओ।
एक चीज थी कि वे अपने देवता की मौजूदगी के बाहर कभी यह कोशिश नहीं करते थे। उनके पास एक छोटे देवता और एक मंदिर था। मंदिर के बाहर वे ऐसी चीजें कभी नहीं करते थे, वे उसे सिर्फ मंदिर में ही करते थे। वे बोले, मैं अपने देवता की नजरों से दूर कभी ऐसी चीज नहीं करूंगा। उन लोगों के लिए देवता की कोई कीमत नहीं थी, उनके हिसाब से यह मूर्ति पूजा है। वो एक ऊर्जा रूप है जो उन्होंने बनाया था और उसके साथ वे काम करते थे। वे बोले, अरे ये देवता, हम इसे ले जाएंगे, हम इसे महल ले जाएंगे। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, इन्हें आप हिला नहीं सकते। वे बोले, हिला सकते हैं, और देवता को उठा लिया। फिर रोने लगे, ऐसा मत करो। जब उन्होंने देवता को उठाया और जब उन्हें खींचने लगे, तब योगी बोले, मैं नहीं आऊंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। वे तब गुस्सा हो गए जब वे लोग देवता को उठाकर खिलौने की तरह बाहर ले जाने लगे। वे बोले, मैं आपके राजा के बेटे को जिंदा नहीं कर सकता। अगर मुझे आता भी होता, मुझे नहीं आता, लेकिन मुझे आता होता तब भी मैं नहीं करता। तब वे उन्हें बालों से खींचते हुए राजा के पास ले गए और वे बोले, मैं ये नहीं करूंगा, तो उन्होंने उनके वहीं टुकड़े कर दिए। और जब ये सब कुछ हो रहा था, तब उन्होंने देवता को गिरा दिया और वो टूट गया। और उनके कुछ शिष्य थे जिन्हें वे सिखा रहे थे, वे सब उन्हीं के साथ खत्म हो गया। लेकिन इसे स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड किया गया है बहुत जिम्मेदार लोगों के द्वारा कि वाकई कई बार उन्होंने ऐसा किया कि वे एक मरे हुए पक्षी को जो 3 घंटों से ज्यादा पहले मर चुका है उसे वाकई खड़ा कर देते हैं और वो उड़ने लगता है काफी लंबे समय तक, यानी 1 घंटे से ज्यादा तक। और वे बार बार कहते थे कि मेरे गुरु इस पक्षी को जिंदा कर सकते हैं, इसे पूरी जिंदगी दे सकते हैं, वो जितना भी समय हो, और मेरे गुरु इंसान के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसे बहुत से योगी हुए हैं। दक्षिण भारत में एक और योगी थे। सो यूजुअली दे डोंट, दिस इज अ काइंड ऑफ अ फ्रिंज योगी, दिस बर्ड योगी, दिस इज फ्रिंज योगी, दिस इज नॉट द मेन स्ट्रीम। वे मुख्य धारा के योगी नहीं थे, ये एक मुख्य धारा के योगी थे। तो लोग उनके पास आशीर्वाद के लिए आते थे और उनके आसपास चीजें होती थी। वे कर्नाटका में रहते थे, दक्षिणी पश्चिमी कर्नाटका में, या दक्षिणी कुलेकाल के पास कहीं, और लोग उनके पास इकट्ठा होते थे। एक बार ऐसा हुआ, एक युवा लड़का मर गया। माता पिता उसे लेकर आए और बुरी तरह रोने लगे। तो उन्होंने उनकी हालत देखी और उन्हें शायद ये पता चला कि इस लड़के का मरना शायद जरूरी नहीं था, ये किसी हद तक एक दुर्घटना है। तो उन्होंने अपनी उंगली डुबाई, उनके पास एक ऐसा दिया था। ये आमतौर पर होता है, कोई भी योगी जो ऐसी प्रक्रियाएं करते हैं उनके पास एक दिया होता है, तेल का दिया। तो उन्होंने तेल में अपनी उंगली डुबाई और उसे मरे हुए लड़के के मुंह में डाला, मरे हुए लड़के के मुंह में, और वो लड़का कुछ देर बाद जिंदा हो गया और बिल्कुल ठीक हो गया। जब कोई मरता है या जब किसी को डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित किया जाता है, वो पूरा मृत नहीं होता, मृत्यु धीरे धीरे होती है। अगर आप पहले से ही इसके बारे में ना जानते हो, तो वो महिला कहां है उन्हें पता होगा, पादरी की बेटी। कोई मुर्दों का प्रबंध करने वालों का बेटा या बेटी है? कोई नहीं है। आप शायद पहले से ही जानते हो, आप में से कई लोग, कि किसी व्यक्ति के मरने के बाद 11 दिनों तक, निश्चित रूप से और ज्यादातर 14 दिनों तक, उंगलियों के नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं। आप जानते हैं? आप में से कितने पहले से जानते थे?
तो क्योंकि मृत्यु धीरे धीरे होती है, चरण दर चरण होती है, ये अभी पूरी नहीं हुई है। जीवन प्रक्रिया का निकलना इस पृथ्वी के टुकड़े से धीरे धीरे होता है। सभी व्यवहारिक अर्थों में जब सब कुछ रुक जाता है, फेफड़े रुक जाते हैं, दिल रुक जाता है, तो वे आपको मरा हुआ घोषित कर देते हैं, लेकिन अभी नहीं। तो इसका इस्तेमाल करके कि जीवन की प्रक्रिया अब भी चल रही है, आप उसे फिर से जागृत कर सकते हैं और सिस्टम को सक्रिय कर सकते हैं। इट इज बाय यूजिंग दिस दैट द तांत्रिक्स हैव डेड बॉडीज वॉकिंग। इसी का इस्तेमाल करके तांत्रिक मुर्दा शरीर को चलाते हैं, और ये बहुत असाधारण बात नहीं है, ये काफी साधारण है। और कभी कभी वे इस पर काम कर रहे होते हैं जब दाह संस्कार चल रहा होता है। ऐसा कई बार हुआ है, मैंने खुद नहीं देखा, पर मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है और वे झूठ नहीं बोलेंगे। ऐसे लोग, उन्होंने वाकई एक जलते हुए शरीर को उठकर चलते हुए देखा है। वे उसे आग लगाते हैं, शरीर जल रहा होता है, पर वो उठकर चलता है, क्योंकि उस पल में जब शरीर बाहर से जलने लगता है, तब जीवन की प्रक्रिया सिकुड़ जाती है। और कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां जीवन उस पल ज्यादा तीव्रता से घटित होता है। वे उसका इस्तेमाल करके सिस्टम को इस तरह जगा देते हैं कि वो अचानक उठकर चलने लगता है। 5 से 7 मिनट तक वो ऐसे बर्ताव करता है जैसे वो जिंदा हो, और फिर मर जाता है, ऊर्जा खर्च कर देता है। तो ये इसी पर आधारित है कि जब कोई मरता है तो भारत में ऐसी रस्में हैं, 14 दिनों तक अलग अलग तरह की रस्में हैं, और दुर्भाग्य से काफी हद तक इन रस्मों के पीछे का ज्ञान, इनके पीछे की शक्ति खो गई है, और लोग बस चीजें कर रहे हैं जीवन चलाने के लिए। वो ये करते हैं, या बस ऐसा किया जाता है इसलिए वे करते हैं। बहुत कम लोग वाकई समझते हैं कि इसका महत्व क्या है, क्योंकि जीवन ऊर्जाएं धीरे धीरे जाती हैं, वे इसमें इतना गहरी चली गई हैं शरीर की हर कोशिका में, वे बस पुफ से नहीं चली जाती। व्यावहारिक रूप से शायद व्यक्ति मर जाए, लेकिन पूरी तरह से नहीं मरता, वो धीरे धीरे मरता है। तो हम इस प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि कोई धीरे धीरे मरे। धीरे धीरे मरना यातना हो सकता है ना? धीरे धीरे मरना भयंकर कष्ट है ना? तो ये यातना हो सकता है, तो हम चाहते हैं वो जल्दी जाए। उसके मरने के बाद सबसे पहली चीज है पैरों के अंगूठों को बांधना। क्या आप अब भी ऐसा करते हैं या नहीं? अंगूठों को बांधना, क्योंकि अगर आप अंगूठे ना बांधें तो शरीर के निचले हिस्से से जीवन अंदर आने लगेगा। वो जीना चाहता है, क्योंकि शरीर की सभी कोशिकाएं मरी नहीं हैं, वे अब भी जीने की कोशिश कर रही हैं। वे ऊर्जा खींचने की कोशिश करेंगी। जब वे ऊर्जा खींचने की कोशिश करेंगी तो कुछ शक्तियां शरीर में घुसेंगी। आप नहीं चाहते कि आपके प्रियजन के साथ ऐसा हो, तो जैसे ही वो मरता है आप अंगूठे बांध दें। अब कोई बाहरी सहारा नहीं होगा, वो काफी जल्दी जाएगा। अगली चीज है आप उसे पानी से धो दें, क्योंकि जब आप मृत व्यक्ति को धोते हैं, जब आप जीवित होते हैं और कोई आपको नहलाना चाहता है और आपके चेहरे पर पानी डालता है, आपको लगता है आपको परेशान किया जा रहा है। जब आप बच्चे थे, आपकी मां आपको नहलाती थी, क्योंकि हम शावर का इस्तेमाल नहीं करते थे बल्कि पानी डालते थे, तो वह हमेशा आपके सर पर ऐसे हाथ रखती थी ताकि पानी यहां ना आए और आप परेशान ना हो।
लेकिन कोई और नहलाता था तो वे बस पानी डाल देते थे और बच्चे ऐसे करते हैं, हाँ या नहीं? तो अगर आप बस चेहरे पर पानी डालें तो ये मृत व्यक्ति पानी से परेशान हो जाता है। अगर कोई भी छोटी सी गतिविधि हो रही है तो वो रुक जाती है। तो गरिमा से जीना और गरिमा से मरना बहुत महत्वपूर्ण है। मृत्यु कोई अजीब विषय नहीं है जिसके बारे में हमें बात नहीं करनी चाहिए, ये यही मौजूद है, हम सभी के लिए आगे बढ़ रही है ना, धीरे धीरे परिपक्व हो रही है, एक दिन ये पूर्ण हो जाएगी, ऐसा लंबे समय के बाद होने दीजिए, लेकिन फिलहाल ये परिपक्व हो रही है ना। तो अगर आप जीवन को अच्छे से समझते हैं, बिल्कुल अच्छे से, तो आप शरीर से इस तरह से बाहर निकल सकते हैं कि आप पूरी तरह से बाहर आ जाएं, आप सब कुछ इकट्ठा करके चले जाएं। अगर आप इस तरह से जाएं तो हम आपको दफनाएंगे, हम आपके शरीर को नहीं जलाएंगे, क्योंकि हम आपके ऊपर लकड़ी बर्बाद नहीं करना चाहते। आप पूरी तरह से चले गए हैं, कोई जल्दी नहीं है, हम आपको एक या दो दिन रखने के बाद जला सकते हैं। तो मैं कह रहा हूं, ये एक ऐसी संस्कृति है जहां हम जीवन और मृत्यु को बिल्कुल अच्छी तरह से समझते थे और उन्हें वैसे संभालते थे जैसे उन्हें संभाला जाना चाहिए। पहले 14 दिनों में आप बहुत मदद कर सकते हैं मृत व्यक्ति की। ये संस्कृति, ये विज्ञान इस देश में एक बड़े तरीके से विकसित हुआ पर फिर भ्रष्ट हो गया। तो जो एक बहुत ही सुंदर विज्ञान था वो व्यापार बन गया और व्यापार भ्रष्टाचार बन गया। तो आज अगर आपके घर में कोई मरता है तो आप उन लोगों के पास जाते हैं जो कहते हैं वे कुछ करेंगे और कहेंगे आपके दादा दूध पीना चाहते हैं, एक गाय दीजिए, एक लीटर दूध नहीं, एक गाय, बारिश हो रही है, आपके दादा को छतरी चाहिए, छतरी दीजिए, आपके दादा कांटों पर चल रहे हैं, उन्हें चप्पल चाहिए। देखिए, आप अपने दादा के बारे में चाहे जो भी जानते हो या ना जानते हो, आप एक चीज जरूर जानते हैं कि वे अपना शरीर ही छोड़कर चले गए। जब वे अपना शरीर ही छोड़कर चले गए तो छतरी, कपड़े, चप्पल, ये ठीक नहीं है हाँ, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो गया है। तो हम फिलहाल एक प्रक्रिया के द्वारा लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वे इस तरह की सेवाएं दे सकें, लेकिन आपको कभी भी इसे अपना काम नहीं बनाना चाहिए, बस एक सेवा की तरह। अगर आप भेंट करना चाहते हैं तो हम आपको ये चीजें करने की ट्रेनिंग दे सकते हैं, बिल्कुल ठीक से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जीवन में, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। जब कोई अपना शरीर खो देता है तो पूरी तरह से लाचार हो जाता है, उसे मदद चाहिए और उसकी मदद की जा सकती है, लेकिन अशुद्ध और भ्रष्ट हाथों से नहीं। कोई इंसान जो परवाह करता हो, कोई इंसान जिसमें इसकी जरूरी समझ हो, अगर आप ऐसी चीजों से गुजरना चाहते हैं, ऐसी ट्रेनिंग से, तो यह उपलब्ध है। हम अपने खुद के दाह संस्कार स्थान भी शुरू करने वाले हैं। कोयम्बतूर में हमारा ईशा सुडुगाडू है, आपको पता है? नहीं पता, कम से कम मरना कहां है अब आप ये जान गए। और अगर आप में से कुछ लोग ट्रेनिंग लेते हैं तो आप ये सेवा दे सकते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है। लोग इसकी कीमत नहीं समझते आजकल की दुनिया में, आजकल की दुनिया इसकी कीमत नहीं समझती, लेकिन ये करना बहुत ही महत्वपूर्ण है।